हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको कराने वाले हैं गुलाम वंश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसके अंदर पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, ऑप्शन बी पृथ्वीराज द्वितीय और ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली के अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की दिल्ली को। ठीक है, ऑप्शन ए नसरुद्दीन मोहम्मद या ऑप्शन बी इल्तुतमिश या ऑप्शन सी राम शाह या ऑप्शन डी बलबन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 3, सल्तनत के निम्नलिखित में सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की। आपका पहला ऑप्शन है आराम शाह और ऑप्शन बी बलबन और ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी डी आपको हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्य काल में सल्तनत की राजधानी थी। आगरा, लाहौर या बदायूं या दिल्ली। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर यानी दिल्ली। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी मेजुद्दीन गोरी। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी एग्जामों में आ सकते हैं और ये पीछे जो एग्जाम हुए उसमें भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो UPPSC, GS UPSC मेन यानी GS फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आपके सामने छठा क्वेश्चन, 175 ग्रेन का सिक्का किसने चलवाया। ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी बाबर। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके देख लो जो ICS का प्री प्री पेपर होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टंका और जीतल का प्रचलन किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन बी सुल्तान इल्तुतमिश और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने टंका क्या बताया गया इसके अंदर टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। आपके सामने ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी बलबन। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन जो यूपी लोअर में पूछा गया है इसके प्री एग्जाम।
उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है, देखिए। उत्तर चांदी, सॉरी उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इल्तुतमिश। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? आपके सामने ऑप्शन है, मैजुद्दीन ने, ये ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने, ये ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन सी इल्तुतमिश। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। 175 ग्रेन के चांदी के टंका चलाने वाली प्रथम दिल्ली सुल्तान चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोजा, या ऑप्शन सी नसरुद्दीन मोहम्मद, या ऑप्शन डी बलवान। आपके सामने बताइए। चलिए आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, ठीक है, आप जल्दी बता सकते हो उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, यानी चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने आक्रमण किया था। देखो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बलबन के शासनकाल में, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, या इल्तुतमिश के शासनकाल में, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इल्तुतमिश के शासनकाल। आगे आपके सामने ऑप्शन क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अंदर आप बता सकते हो, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत भारत में किसके समय आक्रमण किया? चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत के किसके समय आक्रमण किया? आपके सामने ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन सी इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी बाबर। यानी आपका इसके अंदर राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 15। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी बलबन, और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता था? मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी बलवन, सॉरी ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलवन, और ऑप्शन डी इल्तुतमिश। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। निजामुद्दीन जुनेदी वजीर था, मैजुद्दीन गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, या बलवन का? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर इल्तुतमिश का। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम एकता प्रारंभ किया था?
आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, और ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन सा हो जाएगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बने, किस साल शासक बने? सन 1236 ईस्वी में, सन 1266 ईस्वी में, सन 1240 ईस्वी में, सन 1210 में। रजिया सुल्तान 1236 में शासक बनी और 1240 में इनकी मृत्यु हो गई कैथल, हरियाणा के कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दक उल निसवा का विरुद्ध धारण किया था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं चार, ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? ऑप्शन ए अफगानों का, ऑप्शन बी मंगोलों का, ऑप्शन सी तुर्कों का, या ऑप्शन डी अरबों का। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तुर्कों का। उसके बाद चलते हैं ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक बनी? मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी चांद बीबी, और ऑप्शन सी दुर्गावती, ऑप्शन डी नूरजहां। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। निम्नलिखित में सुल्तानों में कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? बताइए। आपके सामने ऑप्शन है, पहला रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी मौजुद्दीन बहराम शाह, और ऑप्शन डी नसरुद्दीन मोहम्मद। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नसरुद्दीन मोहम्मद। निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ई चेलगानी का गठन किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस शाह सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समूहित किया? आपका आपके सामने पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन ई गियासुद्दीन तुगलक। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन ए इल्तुतमिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन सी मोहम्मद तुगलक। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। प्रथम सुल्तान जिसने दुआब की आर्थिक समता समझी कौन था?
ऐबक, या रुकनुद्दीन फिरोज शाह, या इल्तुतमिश, या बलबन। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इल्तुतमिश। सल्तनत काल में रावत ए अर्ज की पद्मी दी गई, किसको दी गई? ठीक है, ये पूछा इसमें ऑप्शन ए आदिल खान को, या इमादुल मुल्क को, या ऑप्शन सी शेर खान को, या ऑप्शन डी मलिक फरुखद्दीन को। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इमामु दूल को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। प्रथम इलबारी शासक कौन था? आपके सामने पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी गियासुद्दीन तुगलक। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत पर सॉरी भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए आर पी त्रिपाठी, ऑप्शन बी के निजामी, ऑप्शन सी मोहम्मद अजीम मोहम्मद, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर पी त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 32। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, सॉरी ऑप्शन सी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी बलबन। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, सॉरी 32 पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त की थी? ऑप्शन ए सुल्तान कुतुबुद्दीन, या सुल्तान इल्तुतमिश, या सुल्तान रजिया, या सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 34। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? ऑप्शन ए काला वस्त्र, ऑप्शन बी लाल वस्त्र, ऑप्शन सी श्वेत वस्त्र, या ऑप्शन डी हरा वस्त्र। यानी इसके थ्रू आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी लाल वस्त्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35। इसके अंदर बताया गया है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया गया? नवाज, नसीरुद्दीन मोहम्मद, या अली मर्दान, या मलिक जानी। यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मलिक जानी का राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। इसके अंदर बताया गया है नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं, एक का कथन ए और दूसरे का कथन आर चिन्हित किया गया है। कथन है, कथन ए, बलवन ने राजसभा सिद्धांत परिभाषा किया, और आर यह है ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। उपरोक्त में सेंद्रबे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये इसके अंदर बताना है। देखो, पहला ए एव आर दोनों सही, बलबन ने राजसभा सिद्धांत दिया, ठीक है, इसके अंदर आगे बढ़ एक की सही व्याख्या आर से, क्योंकि जो इसके अंदर जो सिद्धांत दिया है इसकी व्याख्या ही इसी के अंदर की, ठीक है, यानी वह ताज की प्रतिष्ठा वृद्धि करना चाहता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा अपने जो पहला ऑप्शन उसके अंदर अपना आंसर अपने को मिल गया, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होमवर्क आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं।
नीचे दिए गए, नीचे दो व्यक्ति दिए गए हैं, एक को कथन आर और दूसरे को कथन आर कहा गया। बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया, बलवन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद आर कहता है वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो ये बात इसके अंदर मान्य नहीं। ठीक है, देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन ए तो सही है और ऑप्शन जो बी दे रखा है आर वो गलत है। देखिए देखिए इसके अंदर ऑप्शन ए के अंदर देखिए ए और आर दोनों सही, यानी अपना यहीं पे गलत हो। आगे पढ़ते हैं, ए की समुच्चय वाक्य आर है, यानी इसके थ्रू ये कहा गया, यानी आपका ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी में कहा गया ए और आर दोनों सही है किंतु ए की समुचित वाक्य आर नहीं है। ठीक, इसने क्या कहा, ए की समुचित वाक्य आर नहीं है, यानी अपने को ऑप्शन मिल गया बी, आपका राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने भारत पर प्रसिद्ध फारसी त्योहार नरोज को आरंभ करवाया। ऑप्शन ए आपके पास बलवन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलवन और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी, यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर मुस्लिम गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन मोहम्मद और बलवन, यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन डी यानी बलवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, ईरानी पद्धति सजदा की शुरुआत किसने करी थी, ये की थी बलवन ने। देखो बलवन ने तीन प्रथाएं शुरू की थी, एक थी नरोजा और एक थी पैबोसा तुहार। क्या था, पैबोसा तुहार और एक थी सजदा। ये तीन प्रथाएं बलवन ने अपने टाइम में शुरू की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, सुल्तान बलवन ने अपने दरबार का गठन किस पद्धति पर किया, ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी भारतीय, यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फारसी पद्धति। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 44 आ गया, देख इसके अंदर क्या कहा गया, अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलवन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तूती ए हिंद या केसर ए हिंद या जिल्ले इलाही या दीने इलाही, यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिल्ले इलाही। जैसा कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन ICS के प्री एग्जाम में पूछा गया। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसे रक्त और लोहन की नीति अपनाई, ये अपनाई थी बच्चों बलवन, किसने अपनाई थी बलवन। क्वेश्चन नंबर 46, किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ए खुदाई कहा, नाइब ए खुदाई, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलवन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक, यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बलवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं,
क्वेश्चन नंबर 48 चलते हैं। देखो, बलवन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था? विदेशी आक्रमण का भेद, आंतरिक विद्रोह, या भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, या उसका कमजोर स्वभाव। पहली बात तो ये कमजोर बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, यानी ये इसका ये कारण इसका नहीं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासकों में इसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था। ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी अलाउद्दीन, यानी इसके अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बलबन। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश में एग्जाम हुआ था उसके थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगाने का दमन किया? क्या किया? दमन, यानी 40 बनाई थी इल्तुतमिश ने, 40 बनाई थी, ठीक है, 40 बनाई थी, उस 40 का ही हिस्सा था बलवन, ठीक है, यानी जो 40 बनी थी ये बलवन ने कर दी थी, यानी इसको तबाह, यानी इसका दमन कर दिया था, ये दमन कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति नहीं अपनाई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक, यानी इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन झारखंड पीएससी में पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? आपके सामने ऑप्शन है तुर्गिल खान, या अली मर्दान खान, या बुगरा खान, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा तुर्गिल खान, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत क्या है? बर्नी, इसामी, इबन बतूता, या मिनहाज उस सिराज, ये क्या है? बर्नी, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? आपके सामने ऑप्शन डी, उसने नियाबत एवं खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसने एकतादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, इसने एकतादारी का प्रारंभ नहीं किया था, ये क्या गई गलत। आगे देखते हैं, उसने तुर्कान ए चिहलगाने का प्रभाव समाप्त किया, ये बिल्कुल ठीक है, 40 का बिल्कुल समाप्त कर दिया। ऑप्शन डी, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी ठीक है, किया था, लेकिन जो ऑप्शन बी इसके अंदर दे रखा है एकता दर व्यवस्था का प्रारंभ के लिए गलत है, ठीक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 56। देखिए, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा एक वर्ष मेवो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने की संवर्धन कर दी? ये की थी बच्चों बलवन, क्योंकि बलवन ने जो मेवात के जंगल थे वो सब जंगल बिल्कुल जट से कटवा दिए थे। दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम, दिल्ली के सुल्तान बलवन का पूरा नाम बताइए। आपके सामने ऑप्शन जलालुद्दीन, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, सॉरी ऑप्शन बी इल्तुतमिश, और ऑप्शन सी गयासुद्दीन, और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी इसका राइट आंसर रहेगा गयासुद्दीन मोहम्मद बलवन, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्या रहेगा आपके लिए और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो
आप वीडियो को लाइक और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही आपको हर टॉपिक से रिलेटेड आपको 60-70 क्वेश्चन, 50 के आसपास आपको डेली क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।